इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन और यू कैन से एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर। ओके, तो एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन में कहता है एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस यूजेज ओनली सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर पार्स ट्री में किसी नोड से एसोसिएटेड एट्रीब्यूट है, अगर वो अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हिज चिल्ड्रेन और हिमसेल्फ, तो हम बोलेंगे कि वो एट्रीब्यूट क्या है, वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ग्रामर में देख लें कि ग्रामर में कोई प्रोडक्शन है उसके रिस्पेक्टिव सिमेंटिक रूल या सिमेंटिक एक्शन है, तो जो सिमेंटिक रूल है उसमें जितने भी एट्रीब्यूट होने चाहिए वो कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए, वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट होने चाहिए। ओके, तो याद रहे अगर मैंने इस तरह से कुछ लिखा है ए डॉट ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स और वाई और जेड, ओके, तो एट्रीब्यूट अगर आप देखो तो यहां पर ए है, यहां एक्स है, यहां स्मॉल वाई है, यहां स्मॉल जेड है। ओके, तो आप इन तीनों एट्रीब्यूट के बारे में तब तक नहीं कुछ बता सकते हैं जब तक कैपिटल एक्स कुछ डिराइव करता हुआ प्रोडक्शन ना हो और उसके रिस्पेक्टिव कोई सिमेंटिक रूल ना हो, आप नहीं बता सकते तब तक। तो फिर किन एट्रीब्यूट्स की चर्चा हम करेंगे, किन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम जानेंगे, हम सिर्फ इस एट्रीब्यूट इसके बारे में जानेंगे। ओके, हम असाइनमेंट के इधर वाले इसकी वैल्यू कंप्यूट, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू कंप्यूट हो रही है इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद अगर कोई ग्रामर गिवेन है या कह लो एस एट्रीब्यूट कोई मींस एट्रीब्यूटेड एसडीटी गिवेन है और हमसे पूछ रहा है कि ये एस एट्रीब्यूटेड है कि एल एट्रीब्यूटेड है, ओके, तो फिर उसके जितने भी प्रोडक्शन उनके रिस्पेक्टिव सिमेंटिक रूल्स हैं सब में ये चीज हम चेक कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं इस एट्रीब्यूट स्मॉल ए की बात कर रहा हूं, तो अगर देखो आप स्मॉल ए की वैल्यू कंप्यूट की जा रही किसके टर्म में, या तो एक्स के, या तो वाई के, या तो जेड के, मतलब पार्स ट्री कुछ इस तरह का बना हुआ है एक्स वाई जेड और इस नोड के रिस्पेक्टिव जो एट्रीब्यूट इससे एसोसिएटेड है उसका नाम है ए और ये एट्रीब्यूट ए एसोसिएट मीन्स यहां मैंने क्या किया एक्स वाई जेड प्रोडक्शन एक्स वाई के बाद जेड है। ओके, तो अगर ये ए अपने चिल्ड्रन के टर्म्स में कंप्यूट कर रहा है तो सिंथेसाइज ये एट्रीब्यूट कैसा है, ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। एंड देयरफॉर ये अगर कोई पूछता है कि अगर इतने ही सिर्फ मेरे पास टोटल एसडीडी है तो क्या ये एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है, ओके, तो यस ये है। ओके, नाउ कम टू सपोज करो कि ये नहीं है सिमेंटिक रूल, इस प्रोडक्शन के साथ ये सिमेंटिक रूल एसोसिएटेड है। ओके, तो इसके साथ आपको बताना है, तो कहता है ए के साथ जो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है वो है बी। ओके, पहले ए था, अभी फॉर एग्जांपल अब ये नहीं है, इसको मैंने हटा दिया है आपको समझाने के लिए, इस प्रोडक्शन के साथ मैंने सिमेंटिक रूल बदल दिया है। तो यहां मैं कह रहा हूं फंक्शन ऑफ क्या है ए एक्स और वाई, अगर ए अपनी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है ये बी की, मींस बी के वैल्यू कंप्यूट की जा रही है इस नोड के लिए, या तो चिल्ड्रन के टर्म्स में हो या तो खुद के टर्म्स में हो, तो यहां पर एक्स और वाई चिल्ड्रन है, नो इशू, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, इटसेल्फ वो खुद नोड, यस वो भी वो है, एंड देयरफॉर दिस एट्रीब्यूट बी इज आल्सो सिंथेसाइज्ड। अगर कोई पूछता कि ये प्रोडक्शन प्लस उसके एसोसिएशन में ये सिमेंटिक रूल, क्या ये एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी एसडीटी हैं, आंसर इज यस। ओके, नाउ लेट्स से कि हमने कहा कि इस प्रोडक्शन के साथ ये रूल एसोसिएटेड है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू कंप्यूट की जा रही है। ओके, ये इस नोड के रिस्पेक्टिव वैल्यू कंप्यूट की जा रही है, एट्रीब्यूट क्या है एक्स, तो हमें इस एट्रीब्यूट को क्या होना चाहिए, ये एट्रीब्यूट हर हाल में सिंथेसाइज्ड होना चाहिए, अगर सिंथेसाइज्ड है तभी ए एक्स वाई जेड और ये सिमेंटिक रूल एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया कि ये एक्स को देखा किसके टर्म में वैल्यू को, किसके फंक्शन में वैल्यू कंप्यूट कर रहा है, वाई और जेड के, अपने सिबलिंग्स के, ये अलाउ नहीं है,
या तो कोई नोड के रिस्पेक्टिव जो एट्रीब्यूट है या तो अपने चिल्ड्रन के मीन्स रिस्पेक्ट में वैल्यू कंप्यूट करे और या तो अपने खुद के, सिबलिंग्स अलाउड नहीं है। एंड देयरफॉर अगर ये प्रोडक्शन और ये सिमेंटिक रूल है तो ये एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन नहीं है। सिमिलरली जेड डॉट वाई, जेड के एसोसिएशन में जो एट्रीब्यूट है वो स्मॉल जेड है, ओके, इसके रिस्पेक्ट में, और ये अपनी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में कंप्यूट कर रहा है, अपने पेरेंट के, ये अलाउड नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो ये वाला जो एट्रीब्यूट था, अगर जनरल देखा जाए तो ये एक्स एट्रीब्यूट पहले कौन सा वाई और जेड के टर्म्स में, तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट था ये, ओके। अगर इस जेड को देखें तो ये भी पेरेंट के टर्म में कंप्यूट कर रहा है, ये भी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट है, सिंथेसाइज्ड हमको चाहिए। एंड देयरफॉर अगर ये प्रोडक्शन और ये सिमेंटिक रूल है तो क्या ये एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है? द आंसर इज नो, ओके। अच्छा, एक पॉइंट मैं बोल चुका हूं, फिर से बोल देता हूं कि अगर कंप्लीट ग्रामर गिवेन है, जैसे ए ड्राइव्स एक्स वाई जेड है, एक्स क्या ड्राइव कर रहा है, वाई क्या ड्राइव कर रहा है, जेड क्या ड्राइव कर रहा है, उनके रिस्पेक्टिव सिमेंटिक रूल्स क्या हैं, तो सारे के सारे सिमेंटिक रूल में असाइनमेंट के इधर वाले जो ये हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में आप ये जानोगे कि वो एट्रीब्यूट सिंथेसाइज है और ये क्या इनहेरिटेड है, ओके। और बेस्ड ऑन दैट आप आंसर करोगे कि डेफिनेशन एस एट्रीब्यूटेड है या एल एट्रीब्यूटेड है, ओके। तो यहां पर अच्छा, जो ये एट्रीब्यूट है ए वाई जेड बी एक्स वाई, इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कैसे भी एट्रीब्यूट हो अभी हमको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। अगर इनके रिस्पेक्टिव, जैसे वाई है यहां पर, इसके रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन होती और उसमें सिमेंटिक रूल होता जिसमें वाई की वैल्यू ये एट्रीब्यूट यूज हुआ होता, तो फिर हम बात कर सकते थे कुछ, ओके। नेक्स्ट है सिमेंटिक एक्शंस और रूल्स, जो ये रूल्स या एक्शंस लिखे हुए हैं, ये कहाँ प्लेस किए जा सकते, कैन बी प्लेस्ड एट राइट एंड ऑफ आरएचएस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जैसे ए ड्राइव्स एक्स वाई जेड प्रोडक्शन है तो कहता राइट एंड, ये लेफ्ट है ये राइट है, एकदम राइट एंड पे जेड के बाद होना चाहिए, ओके, तो ये ट्रू है, लेकिन और कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये अगर वाई जेड के बीच में रख रहे हो सिमेंटिक रूल या एक्शन, नॉट पॉसिबल, वो एस एट्रीब्यूटेड एसडीडी नहीं है, ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल। मींस अगर इस तरह से सिमेंटिक एक्शन आप रख रहे हो तो वो एस एट्रीब्यूटेड एसडीडी या एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन या एस एट्रीब्यूटेड एसडीडी नहीं हो सकती, ओके। नाउ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टर्मिनल्स कैन ओनली हैव सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स एंड कंप्यूटेड बाई लेक्सिकल एनालाइजर। मीन्स सपोज करो कि आपके पास एक ग्रामर है ई डिराइव्स ई प्लस टी, तो इसके रिस्पेक्टिव सपोज करो मैं रूल लिख रहा हूं ई डॉट वैल इक्वल टू ई वन डॉट वैल प्लस टी डॉट वैल, और इसको मैंने ये करली ब्रैसेज में कर दिया। और सपोज करो एक मेरे पास और है प्रोडक्शन ई डिराइव्स टी, ओके, तो यहां पर मैंने लिखा ई डॉट वैल इक्वल टू टी डॉट वैल, ओके, और यहां से एक प्रोडक्शन लिखा टी डॉट टी डिराइव आई डी, ओके, तो यहां पर टी डॉट वैल इक्वल टू आई डी डॉट लेक्स वैल। जो ये लेक्स वैल हम लिख दिया करते हैं, ये लेक्स वैल का मतलब क्या है, दिस आई डी डॉट लेक्स वैल, दिस मीन्स ये वैल्यू जो कंप्यूट हो रही है इस वैल एट्रीब्यूट की, ये इस वैल एट्रीब्यूट की जो वैल्यू कंप्यूट हो रही है ये किसके टर्म्स में है, ये किसके टर्म्स में है, इन द सेंस हु विल कंप्यूट दिस वैल्यू, द लेक्सिकल एनालाइजर विल कंप्यूट एंड प्रोड्यूस, ओके, एंड कंप्यूटेड बाय लेक्सिकल एनालाइजर, ओके। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ पार्स ट्री पॉसिबल, पॉसिबल फॉर, यहां पर और भी लिखो, इवैल्यूएशन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यूज, ओके। अगर आपको क्या गिवन है, एक एस एट्रीब्यूटेड एसडीडी या एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन गिवन है, ओके, तो और कोई स्ट्रिंग गिवन है, तो आप क्या करो, उसको उस स्ट्रिंग को पार्स कर दो, कंप्लीट पार्स करने के बाद उस पार्स ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करो
और आप उस पार्स ट्री के हर एक नोड की वैल्यू इस ट्रवर्सल में कंप्यूट कर सकते हो। इस पॉइंट का ये कहने का मतलब है। लेकिन ये पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल से वैल्यू तभी कंप्यूट हो सकती है अगर एसडीडी या एसडीडी क्या है, एस एट्रीब्यूटेड है। ओके, ओनली देन दिस पॉलिसी विल वर्क। अच्छा, अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि हमने पीछे कहा था कि डिपेंडेंसी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो डिपेंडेंसी ग्राफ क्या मींस जो ग्रामर के रिस्पेक्टिव जो पार्स ट्री जनरेट करते हैं, वो पार्स ट्री से डिपेंडेंसी ग्राफ जनरेट करते हैं, और वो डिपेंडेंसी ग्राफ से जो टोपोलॉजिकल शॉर्ट होती है वो इवैल्यूएशन ऑर्डर होता है एट्रीब्यूट्स का। ओके, कि एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज कंप्यूट करनी है, अगर आप उस टोपोलॉजिकल शॉर्ट को फॉलो करते हो तो आप उसकी वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हो। लेकिन उसकी अपनी एक ड्रॉबैक थी कि अगर ग्राफ में साइकिल हुआ और डिपेंडेंसी ग्राफ में, तो कोई इवैल्यूएशन ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होगा। दूसरा, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्स ट्री था और जो इवैल्यूएशन ऑफ दिस डिपेंडेंसी ग्राफ का, सॉरी पार्स ट्री का नहीं, जो डिपेंडेंसी ग्राफ का जो कंस्ट्रक्शन था वो कंपाइल टाइम पे था। जो पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल मींस जो आप टोपोलॉजिकल शॉर्ट कंप्यूट करते थे वो भी आप पहले ही कंप्यूट कर लेते थे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी था। ओके, तो ये टेक्निक अब सोची गई कि डिपेंडेंसी ग्राफ को बोले रिजेक्ट करो और कोई दूसरा ऐसा तरीका लेके आओ जो वन फ्लाई में क्या करे, पार्स ट्री का कंस्ट्रक्शन भी करे और पैरेलल में एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को मींस इवेल्युएट भी करे। मींस दो काम, टू वर्क जॉब इन वन गो, पार्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्स ट्री होता जा रहा है उसके नोड्स के रिस्पेक्टिव जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज भी कंप्यूट होती रहे। तो कहता है ये इसके लिए ये आपको लर्न करना है, रिमेंबर करना है इसको, सिमेंटिक रूल्स इवेल्युएटेड इन सिंगल पास ड्यूरिंग द पार्सिंग। ओके, सिंगल पास बोथ इवेल्युएशन ऑर्डर पॉसिबल। एक क्या है, बॉटम अप इवेल्युएशन, या आप कह सकते हो बॉटम अप पार्सिंग। ओके, इवेल्युएशन क्यों कह रहा है, क्योंकि यूज कर रहा है बॉटम अप पार्सर, लेकिन वैल्यूज का इवेल्युएशन भी कर रहा है, कंप्यूट भी कर रहा है, इसीलिए बॉटम अप इवेल्युएशन या बॉटम अप ट्रांसलेशन स्कीम ये भी बोला जा सकता है। ओके, ये वर्क करेगी और मींस ग्रामर को ट्रीट करेगी LR1 ग्रामर की तरह। टॉप डाउन इवेल्युएशन या टॉप डाउन पार्सर भी इसको कर सकता है, अगर एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन है तो टॉप डाउन पार्सर से भी क्या किया जा सकता है, स्ट्रिंग को पार्स किया जा सकता है और पैरेलल पार्स ट्री के हर एक नोड की वैल्यू कंप्यूट की जा सकती है इन वन फ्लाई और इन वन गो। ओके, एंड दैट्स डन।